नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 7:30 बजे हैं, मैं हूं वंदना झा। गुरुवार को नरेंद्र मोदी ने बनारस में फिर अपनी ताकत दिखाई। चुनाव आयोग ने मोदी को रैली करने से रोका तो मोदी ने रोड शो किया। मोदी के रोड शो में ऐसा लगा जैसे बनारस थम गया हो, सारे रास्ते मोदी की तरफ मुड़ गए हों। सड़क पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी थी कि मोदी को 5 किलोमीटर का सफर तय करने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में हर हर मोदी, हर गली हर नुक्कड़ पर मोदी, मोदी के रंग में बनारस। चारों तरफ भगवा झंडे, फिजा में मोदी मोदी की गूंज। गुरुवार को बनारस मोदी के रंग में रंग गया। चुनाव आयोग ने मोदी को रैली करने की मंजूरी नहीं दी। जवाब में मोदी ने किया रोड शो। बेनियाबाग में मोदी की रैली की मंजूरी नहीं मिलने से नाराज बीजेपी ने आयोग को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। निषेधाज्ञा की अनदेखी कर मोदी ने रोड शो किया और बनारस में अपना दम दिखाया। विरोधियों को दिखाया कि उनके लाख विरोध के बाद भी बनारस में भीड़ जुटाने में मोदी और उनके समर्थकों का जोर नहीं। मोदी ने रोहनिया में शाम 6 बजे अपनी सभा खत्म की। उसके बाद मोदी हेलीकॉप्टर से बीएचयू के हेलीपैड पर उतरे और यहां से रवाना हुआ मोदी का काफिला। मंजिल सिगरा में बीजेपी का चुनाव कार्यालय था। सफर 5 किलोमीटर लंबा था। इरादा अपनी शक्ति के प्रदर्शन का था। मोदी का काफिला निकला तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे मोदी आगे बढ़ते गए, लोग जुटते गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर रखी थी। काफिला रवाना हुआ तो आगे बाइक पर बीजेपी कार्यकर्ता थे। मोदी अभी लंका पर ही थे, लेकिन वहां से लेकर सिगरा के बीजेपी दफ्तर तक सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे ही काफिला लंका से आगे बढ़ा, बीजेपी नेताओं ने मोदी के काफिले को रोक रोक कर फूल बरसाए। चारों तरफ से फूल की बारिश होती रही। मोदी मोदी के नारे लगते रहे। मोदी के काफिले को रविंद्रपुरी, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया रथ यात्रा होते हुए सिगरा पहुंचना था। सफर 5 किलोमीटर लंबा था। बनारस के लोग कहते हैं कि आम दिनों में बीएचयू से सिगरा पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन ये मोदी का काफिला था। ये एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार का काफिला था। इस काफिले को बीजेपी दफ्तर पहुंचने में 5 घंटे का समय लग गया। वजह, समर्थकों की भीड़। सड़क के दोनों तरफ मोदी के स्वागत में समर्थकों की भीड़ उतर आई थी। भीड़ से गाड़ियों का काफिला जैसे थम सा गया था। समूचा रास्ता जैसे ठहर सा गया था। मोदी जी के साथ किस प्रकार से जनादेश, जन समर्थन, जन आशीर्वाद, ये सब जो है इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आज देश में विकास और आशा की राजनीति के एकमात्र प्रतीक जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसा उत्साह ऐतिहासिक है और मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में कभी किसी लोकसभा के प्रत्याशी के लिए या किसी देश के भावी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का उत्साह जनता में। सब लोगों से मिले हैं, बैठे हैं और सब लोगों ने में बहुत उत्साह था और सब नेताओं से मुलाकात की है। 5 घंटे के लंबे वक्त के बाद मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से मोदी का इंतजार कर रहे थे। भारी भीड़ जुटी हुई थी। सबको मोदी की एक झलक पाने का इंतजार था। कुमार कुंदन के साथ अमित कुमार, वाराणसी, न्यूज 24।